हेलो दोस्तों, अनीताज रसोई में आपका स्वागत है। आपने चिकन हांडी और मटन हांडी बहुत बार खाया होगा दोस्तों। चलिए आज बनाते हैं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही टेस्टी कटहल हांडी। तो चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। कटहल हांडी बनाने के लिए हमने 1/2 केजी कटहल लिया है दोस्तों। ये 750 ग्राम का कटहल था लगभग। इसे छीलने के बाद ये 1/2 केजी बचा है। इसे छीलने और काटने के बाद मैंने नमक वाले पानी में डालकर रख दिया है। इससे कटहल काला नहीं पड़ता है। और ये है 250 ग्राम प्याज। इसे एकदम महीन पतले पतले हम स्लाइस में काट लिए हैं। अब चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। एक बर्तन में 4-5 बड़े चम्मच सरसों तेल लेंगे और इसे धुआं आने तक गर्म कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है धुआं आने तक। अब चलिए हांडी तैयार करते हैं। एक बड़े बर्तन में पानी निकालकर कटहल को रख लिए हैं। अब इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज। इस तरह से मसलते हुए डालेंगे ताकि प्याज अच्छे से खुल जाए। काटने और छीलने के बाद कटहल 1/2 केजी बचा है, तो इसमें हम 250 ग्राम प्याज डालेंगे। जितना हम कटहल लेंगे उसका आधा प्याज डालेंगे। अब यहीं पे डाल लेंगे 2 हरी मिर्च काटकर। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा सब्जी में। ये 1 गांठ लहसुन है, इसे दरदरा कूट लिए हैं। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसे ग्रेट कर लिए हैं। अब इसमें डालेंगे, और लहसुन थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे। जहां प्याज ज्यादा डलता है वहां पे थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए मिठास लहसुन थोड़ा सा ज्यादा डलता है। कुछ खड़ा गर्म मसाला डालेंगे, 1 इंच दालचीनी है, थोड़ा सा जावित्री, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग इसे डाल देंगे। आप इसे दरदरा कूट कर भी डाल सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून खड़ा जीरा डालेंगे, 1 टीस्पून भर के हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर डालेंगे 1.5 चम्मच, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के ऊपर तक मीट मसाला। इसके जगह पे आप गरम मसाला भी ले सकते हैं या चिकन मसाला भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1 टेबल स्पून नमक लेंगे, थोड़ा सा और ज्यादा ले लेते हैं, टेस्ट थोड़ा अच्छा लगेगा। और वैसे आप नमक अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। और डालेंगे 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत सुंदर आएगा। और ये 2 गांठ लहसुन डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। वैसे आप नहीं डालना चाह रहे हैं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, एकदम चंपारण स्टाइल बना रहे हैं दोस्तों, तो लहसुन इसमें डालना जरूरी है। वहां भी डल के बनता है, इसलिए हम भी डाल रहे हैं। आप भी जरूर बनाइएगा इस तरीके से, बहुत टेस्टी बनता है। तेज पत्ता लेंगे, और अब डाल देंगे सरसों तेल, जिसे अभी हमने गरम करके रखा था। 100 ग्राम जैसा तेल डालेंगे और इसे अच्छे से खूब मसल मसल कर मिक्स कर लेंगे। बहुत आसान है बनाना दोस्तों, मतलब कोई झंझट ही नहीं है अलग से मसाला भुनने का या कुछ भी करने का। बस सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे और सब्जी बहुत टेस्टी बन के तैयार हो जाएगा। वैसे कोई जरूरी नहीं है कि हांडी में ही बनाया जाए, आप इसे मोटे तले का कोई भी बर्तन में बना सकते हैं। ये इतना आसान है बनाना सब्जी कि इसे बिगनर भी बना के खा सकते हैं। इस तरीके से सब्जी आसानी से बनाकर बच्चे भी खा सकते हैं। अभी इसे रख देंगे 10 मिनट रेस्ट पे, तब तक हांडी तैयार कर लेते हैं। ये हांडी है, इसमें मैंने पहले भी एक बार कटहल हांडी बनाया है दोस्तों, बहुत टेस्टी बना था, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी ये सब्जी शेयर करूं। इसलिए ये थोड़ा काला काला दिख रहा है। अगर आपके पास नया हांडी है तो उसे 12-13 घंटे के लिए पानी डालकर छोड़ दें और फिर उसे यूज करें, नहीं तो सारा ऑयल खींच लेगा और जो प्याज पानी छोड़ेगा वो भी खींच लेगा, तो सब्जी ड्राई हो जाएगा। अब इसमें गरम किया हुआ तेल थोड़ा सा बचा लिए थे और इसमें इस तरीके से फैला लेंगे। अब हांडी में डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ कटहल। बहुत आसान है बनाना, बस थोड़ा इसे पकने में टाइम ज्यादा लगता है, बस उतना ही है, नहीं तो बहुत आसानी से बन जाता है ये सब्जी। इसमें 1/2 कप पानी डाल लेंगे, बस इतना ही डालेंगे। पानी वैसे इसमें नहीं डलता है, लेकिन हम इसे गैस पे बना रहे हैं इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी डालना जरूरी है, नहीं तो पकते समय कटहल तले में जलने का डर रहेगा। हांडी कटहल बनता है तो कोयले के आग पे बनता है,
इसलिए धीमे धीमे फ्लेम में पकता है तो जलता नहीं है, लेकिन हम गैस पे बना रहे हैं तो जलने का थोड़ा डर रहता है, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे। हांडी में कटहल रख लिए हैं, अब इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन, इस तरीके से रख देंगे और इसे सब चारों तरफ से आटा से पैक कर देंगे ताकि एयर बाहर ना निकले। गुथा हुआ आटा लेंगे और इस तरीके से रोल करके इसे लंबाई में लंबा कर लेंगे और इस तरीके से पैक कर लेंगे। आटे से हांडी को अच्छे से पैक कर लिए हैं ताकि कहीं से एयर ना निकले। अब गैस ऑन करेंगे और फ्लेम हम हाई रखेंगे। अब इसके ऊपर हांडी रख दिए हैं और एक मिनट इसे इसी तरीके से छोड़ देंगे ताकि हांडी जल्दी से गर्म हो जाए। हांडी रखे एक मिनट हो गया है, अब फ्लेम हम लो कर लेंगे और इसे 15 मिनट लो फ्लेम में ही पकने देंगे। 15 मिनट हो गया है पकते, अब इसे एक कपड़ा से सावधानी से पकड़ेंगे और इस तरीके से चलाएंगे, इस तरीके से चारों तरफ से इस तरह से हिला लेंगे और फिर इस तरह से एंगल चेंज करते रहेंगे हांडी का, इस तरीके से चेंज कर करके बीच बीच में घुमा घुमा कर इसे हम पकने देंगे। एक ही जगह पे रहेगा तो कटहल जल जाएगा। अब 5 से 7 मिनट बाद हांडी हम गैस से उतार लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे तवा। अब हम तवा पे रखकर सब्जी पकाएंगे, इसी के ऊपर हांडी रखेंगे। बस इसे इसका इस तरह से घुमा घुमा कर कटहल को हम पकने देंगे। लगभग 45 से 1 घंटा तक टाइम लगता है कटहल पकने में और कटहल कितना बड़ा छोटा या बड़े साइज में काटे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि टाइम कितना लगेगा। तो लगभग 40 से 45 मिनट में सब्जी पक जाता है, तो उतना टाइम तक इस तरह से घुमाते रहेंगे और बीच बीच में इस तरीके से कपड़े से पकड़कर इसे चलाते रहेंगे तो सब्जी एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। लगभग 25 मिनट हो गया है सब्जी पकते तवा के ऊपर रख के। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे इसी तरह से तवा के ऊपर ही 10 मिनट और छोड़ देंगे। अंदर स्टीम है, उसी में सब्जी अच्छी तरह से पक जाएगा। 10 मिनट हो गया है तवा पे रखे हांडी, अब इसे खोल कर चेक कर लेंगे कि सब्जी मेरा अच्छे से पका है या नहीं। पक ही गया होगा, इतना टाइम में सब्जी लगभग पक के तैयार हो जाता है। सावधानी से खोलेंगे, हाथ जलने का डर है। देखिए दोस्तों कितना सुंदर सब्जी बन के तैयार हुआ है। अब एक बार इसे चेक कर लेते हैं कि ये अच्छे से पका है कि नहीं। देखिए इसे चलाएंगे, इतना अच्छा खुशबू आ रहा है दोस्तों कि मैं इसे बता नहीं पाऊंगी, पूरा किचन खुशबू से भर गया। अब कटहल चेक कर लेंगे एक बार, बहुत टेस्टी बनता है दोस्तों, आप भी इसे जरूर बनाइएगा और बहुत आसान तरीके से बन जाता है, कोई झमेला नहीं है बनाने में। और अगर ये मेरा रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा। देखिए दोस्तों कितना सुंदर एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हो गया है, आप भी जरूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनता है। अब इसे सर्व करेंगे। एक बर्तन में चावल ले लेंगे, आप इसे रोटी या चावल किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं। ये इतना टेस्टी बनता है दोस्तों कि आप इसे एक बार खा लेंगे तो इसे बार बार बनाकर खाना पसंद करेंगे, बहुत टेस्टी बनता है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, जिससे आपको मेरे नए नए और आसान रेसिपीज का नोटिफिकेशन मिलता रहे।